ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं प्राची सवर्ण अभी बीजेपी के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और जश्न मनाती सारी महिलाएं प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता जी किस तरह से हर्ष और उल्लास पटाखे उत्साह दिखा रही हैं, एक दूसरे को गुलाल लड्डू खिलाते हुए ढोलक बजाते हुए किस ताल में दिख रही हैं। आइए प्रदेश अध्यक्ष जो महिला मोर्चा के धर्मशीला गुप्ता जी उनसे बात करते हैं किस तरह से वो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हैं। 33% आरक्षण प्राप्त हुआ है, आप महिला मोदी जी को हम धन्यवाद बिहार की संपूर्ण महिलाओं की ओर से देना चाहते हैं। लड्डुआ बांटी जा रही है, पटाखे फूट रहे हैं, महिलाओं ने मेरी बहनों ने कमल का फूल बनाया है, रंगोली बनाई है, ढोल बजे हैं, नगाड़े बजे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से खुशियां मनाई जा रही है। मायावती जी तो 50% की मांग की थी, 33% हमारे माननीय मोदी जी ने दिए हैं वो काफी है। और मणिपुरी घटना वाले भी लोग हैं तो वो बहिष्कार कर रहे हैं इसका? बिल्कुल नहीं, मणिपुर की घटना भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है, कांग्रेस की दोषी है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है, सोच भी नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं का सम्मान देने का काम करती है, जो आज आप देख रहे हैं। कुछ पार्टियां तो इसका विरोध भी की काफी, वो घबरा गए हैं माननीय मोदी जी के साथ जो पूरे देश की महिलाएं हैं, तो विपक्ष स्वाभाविक है घबरा गए हैं, तो घबराहट में कुछ बोल रहे हैं वो सब नहीं होगा। जब महिलाओं को सम्मान मिला, आरक्षण मिला, तो महिलाएं मोदी और मोदी मोदी ही करेंगी। तीज का तोहफा मिल गया आपको? बिल्कुल, तीज का और गणेश चतुर्थी का दोनों का तोहफा मिला है हम लोगों को। हम लोग बहुत बहुत कोटि सा आभार व्यक्त करते हैं माननीय संसद में पहली पेशकश वो भी महिला की रही। बिल्कुल, पहली पेशकश महिला की गई है, नारी शक्ति बंधन के नाम से ये आरक्षण विधेयक बिल पास होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद उनको, किस तरह से आप अर्पण करना चाहते हैं? मैं बिहार की समस्त महिलाओं की ओर से कोटिशा धन्यवाद करना चाहती हूँ, और बिहार में 40 सीट हम लोकसभा का जीत करके उनको देंगे, इस रूप में धन्यवाद करना। 40% 40 की 40 सीटों पे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भारतीय जनता। धर्मशीला गुप्ता जी ने साफ तौर पे कहा कि मोदी जी को नमस्कार, मोदी जी को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद बोली, और 40 की 40 सीटों पे महिलाओं की ओर से उनको वोट रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एक न्यूज 24। हमारे सहयोगी जैकी के साथ प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।